तो अभी मैं जा रहा हूँ जरा लखनऊ। पहुंच गए हैं हम। सो आई जस्ट रीच माय होम और अभी मैं जा रहा हूँ अकेले मूवी देखने। अकेले चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। तो बेसिकली ऐसा है कि या तो मेरे सारे फ्रेंड दूसरे सिटीज में या जो इस सिटी में हैं उनकी शादी हो चुकी है और जो बचे कुचे कुछ वो बिजी भाई, क्योंकि जरूरी नहीं मैं इस टाइम फ्री हूँ तो वो भी फ्री होंगे। और फैमिली भी भाई बिजी है, किसी ने कह दिया एनिमल फैमिली के साथ ना देखो, तो फैमिली गई नहीं देखने मेरे साथ, इसलिए मैं जा रहा हूँ अकेले। क्योंकि इतना ज्यादा हाइप हो रखी है कि सारे सोशल मीडिया में कि आई नीड टू वॉच इट। और इस मूवी में थोड़ा लड़ाई झगड़ा एक्शन कुछ ज्यादा ही, और मुझे इसी टाइप की मूवी पसंद आती है। सो दैट्स व्हाई आल्सो लेट्स गो। पहुंच गए भाई, वो लेट भी हो गए। हाँ तो मैं मूवी देख के आ गया हूँ, काफी अच्छी थी, अलग एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम अकेले मूवी देखने का। अभी इस टाइम कोई वाला गाना गाए, ये देखो किसी ने बीच में एक्टिवा लगा दी है, ये सब नहीं करने होते। ये देखो मैं मंटू भाई, आप सही करके उसको साइड में कर रहे हैं, पता नहीं किसने लगा दी। The next day. भाई एक टाइम था पहले जब मैं इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलता था, फिर आई मूव टू अ डिफरेंट प्लेस, वहाँ पे बास्केटबॉल मेरे स्कूल के पास आ गया तो बास्केटबॉल में मैं खेलने लगा। बट आई यूज टू प्ले अ वेरी गुड क्रिकेट, लाइक बैटिंग अच्छी करता था, लेकिन फिर बॉलिंग में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोग को स्विंग करा के, आई वॉज अ फास्ट बॉलर। देखा भाई क्या कट हुई है, आउट स्विंग बाहर से अंदर, मतलब इधर से अंदर आई। अब देखो इन स्विंग करा दो, वो थोड़ी मुश्किल। हल्की सी हुई ये स्विंग। सोनिक फास्ट भाई 145-150 तो स्पीड होगी मेरे में। फास्ट किया, अभी थोड़ा पेन होने लग गया। तो अभी भाई इंटरव्यू, कितने इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, थक चुका हूँ भाई। हर कंपनी के 3-4 राउंड तो होते ही हैं, क्योंकि अब ये कंपनी है इसमें मेरे ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो गए, तो उन्होंने नए राउंड 2 और रख दिए। ये इसलिए रखते हैं ताकि और कैंडिडेट होंगे तो फिल्टर करने के लिए। आधा घंटे का फालतू का राउंड क्या है ये क्लियर करने में, फिर एक क्लाइंट राउंड और है, और क्लाइंट राउंड फिर टेक्निकल, मतलब ये तीसरा टेक्निकल है, इसके बाद 14 टेक्निकल और, इससे अच्छा फेसबुक और गूगल में दे देता भाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेट्स गिव द इंटरव्यू गाइस, लेट्स डू इट। इट्स 6:12, हमारा इंटरव्यू है 6:15 पे। ये फॉर्मेलिटी वाला राउंड है, पता नहीं क्यों ही हो रहा है। एनीवेज लेट मी क्विकली डू इट, सी यू आफ्टर दिस, लेट्स गो। डन विद द इंटरव्यू गाइस, इट वॉज गुड, बेसिक पूछा था। अब जो लोग
टेस्टिंग फील्ड के हैं तो उनके लिए ये नॉलेज है, आगे तुम्हारे काम आ सकती है। तो बेसिकली एक टेक्निकल वो वाला राउंड नहीं था जो फर्स्ट राउंड होता है, ये थर्ड राउंड था इस कंपनी का, क्लाइंट के साथ था, क्लाइंट के भी एक मेंबर के साथ था, इसके बाद मेन क्लाइंट राउंड होगा। तो इसमें बस उन्होंने बेसिकली पूछा कि आप क्या काम करते थे, अपना पूरा फ्रेमवर्क डिस्क्राइब करिए। मैं यूज़ करता था BDD विद कुकुम्बर और टेस्टिंग जी फ्रेमवर्क पे भी काम किया, सो उन दोनों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए, टैग्स और ये सब से रिलेटेड। फिर उसने क्या पूछा, स्टैटिक ब्लॉक के बारे में पूछा, क्या क्या स्टैटिक ब्लॉक हो, मेन हो, कौन सा एग्जीक्यूट पहले होगा, मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक्स हों, स्टैटिक ब्लॉक का काम क्या होता है, और आपने एक्चुअली में यूज़ किया है या नहीं किया है। फिर रेस्ट एश्योर्ड अगर आपने यूज़ किया है तो पैच कहाँ पे यूज़ करते हैं, पैच API जो HTTP मेथड होता है, तो ये सब क्वेश्चन। तो ये सब मतलब इतने काफ़ी इंटरव्यूज़ के बाद ये सब का मुझे आइडिया हो गया है, तो इसलिए लेट्स सी। अब ये लोग ना ज़्यादातर कॉन्फिडेंस भी देखते हैं, तो अगर आपको आंसर नहीं पता हो, कॉन्फिडेंस में आप हैंडल कर रहे हो, तो वो ही मैटर करता है। ये नहीं है कि आप सारे रट्टू तोता वाले आंसर दे पाओ, कंसेप्ट पता हो तो दो, नहीं तो कह दो नहीं मुझे या तो याद नहीं आ रहा है या मुझे पता नहीं, सिंपल। लेट्स सी क्या वो कर रहे हैं, वो गमले में हो रहे हैं। Just look at the sunset. Some peaceful.